यही है दुष्टों का स्वभाव, वे दूसरों के सुख को नहीं देख सकते। दूसरा कोई विपत्ति में यदि पड़ जाए, दुख में पड़ जाए, तो दुष्टों के लिए यही महासंपत्ति है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जौं कहूं निंदा सुनहि पराई, मानहुं संपत्ति घर आई, ऐसे कुछ है। कि जब एक हल का स्वभाव है कि जब किसी की निंदा की जाती है तो सुन करके बहुत हर्षित होते हैं, जैसे लगता है कि घर में नव निधि सारी सिद्धियां मिल गई उसको, और किसी की विपत्ति सुनते हैं तो उस दिन वो फेस्टिवल मनाते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव होता है, किसी का दुख सुनते हैं तो और खुश होते हैं। खल का और संत का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में किया है, और दोनों की वंदना की है। संतों की वंदना किए हैं, उसके पहले खलों की वंदना किए हैं। यह एक अद्भुत आश्चर्य की बात है, पहले खलों की वंदना की, सत्भाव से, सत्य भाव से वंदना कर रहा हूं, और खलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूं कि आप कृपा रखिएगा, हमारे इस रामचरित मानस पर कोई कटाक्ष मत कीजिएगा, इतनी ही कृपा आपकी होगी, बस इतनी ही बहुत बड़ी दया आपकी होगी। यह बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी कहा है। वे कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं किसी व्यक्ति को कि वो हमारे ग्रंथ को पढ़े, तो वह व्यक्ति यदि नहीं पढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन पढ़े और पढ़ करके उसमें कोई काट छाट करे, दोष निकाले, यह बात सहन करने योग्य नहीं। भगवान ने जैसी मुझे बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया है, और इस पर भी कोई व्यक्ति दोष निकाले, कृष्णदास कविराज अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए या जस के लिए यह ग्रंथ लिखा है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया वे न पढ़ें। वे कहते हैं